हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हमने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो ग्राफिकल मेथड बताई है, उसमें से अगर आपने कोई भी वीडियो मिस कर दिया है तो इस लिंक पे जाकर आप वो वीडियो को देख सकते हैं। अगर इसके आप सारे वीडियोज देखेंगे तो फिर आपको ग्राफिकल मेथड पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो आज शुरू करते हैं हम एक ग्राफिकल मेथड के थ्रू। जब हम कोई लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उसमें एक स्पेशल केस बनता है, उसको हम बोलते हैं अनबाउंडेडनेस। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जब हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को ग्राफिकल मेथड के थ्रू सॉल्व करते हैं तो क्या होता है कि उसमें हमको कंस्टेंट डिफाइन करना पड़ता है। ये तो आपको पता ही होगा, आपने देख भी लिए होंगे हमारे वीडियो। तो जब कंस्टेंट डिफाइन करते हैं तो उसमें लेस देन ग्रेटर देन साइन आता है, लेकिन जब हम कोई मैक्सिमाइज का प्रॉब्लम लेते हैं तो उसमें हमें ये बोला जाता है कि ये जो वैल्यू है वो इससे ज्यादा होना चाहिए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए। लेकिन कितना ज्यादा होना चाहिए ये तो हमको डिफाइन नहीं किया जाता है। तो वो क्या होता है, वो एक्स वन और एक्स टू की वैल्यू जो होती है वो इन्फिनिटी होती जाती है। तो हम x1 x2 की कौन सी वैल्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखें जिससे कि हमको ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिले। तो इसी बात को समझने के लिए हम अनबाउंडेडनेस का एक एग्जांपल लेते हैं। अब हम अनबाउंडेडनेस को इस मैक्सिमाइज के एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया गया है जिसको कि मैक्सिमाइज करना है। ये हमारे कंस्ट्रेंट दिए हुए हैं 2x1 + 4x2 less than 16 और x1 plus 5x2 less than 15, ठीक है, ये दो कंस्टेंट दिए हैं। तो अब इस दो कंस्टेंट के बेसिस पर क्या हुआ, मैंने दो लाइन ड्रॉ करी ग्राफ के ऊपर। तो 2x1 plus 4x2 equal to 16, इसी ये लाइन ड्रॉ कर ली, और x1 plus 5x2 is less than 15, तो इससे ये लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, तो अब आपको पता ही है, आपने पहले के मेरे वीडियो देख ही लिए होंगे तो पता ही होगा कि इस केस में यहां पर हमारा क्या रहेगा, इस जगह पर मेरा फिजिबल रीजन बनेगा। तो जैसे इसको बोल सकते हैं अपन ओ ए बी सी, तब ये अंदर का एरिया क्या है, हमारा फिजिबल रीजन हुआ। तो ये अनबाउंडेडनेस का एग्जांपल नहीं हुआ। अब देखिए फिजिबल रीजन यहाँ पे क्यों बना था, क्योंकि ये लेस देन था। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको लेस देन ना करके ग्रेटर देन कर दूं और इसको यहाँ लेस देन ना करके यहाँ ग्रेटर देन कर दूं, तो अब क्या होगा, अब जब मैं इसको यहाँ पर ग्रेटर देन यहाँ कर दूंगा तो फिर क्या होगा, फिजिबल रीजन जो है वो यहाँ नहीं बनेगा। कहाँ बनेगा, ये ओरिजिन से दूर बनेगा, मतलब इस तरफ बनेगा, यहाँ पर ये ओरिजिन बने, यहाँ पर बनेगा फिजिबल रीजन। अब जब यहाँ पर अनबाउंडेडनेस हो गई, अनबाउंडेडनेस का मतलब यह है कि यहाँ पर हमने इसका लोअर बाउंड तो हमें पता है कि इस फिजिबल रीजन का लोअर बाउंड कहाँ होगा, लेकिन क्या है इसका अपर बाउंड हमें पता नहीं है। तो ये क्या हो गया, अनबाउंडेडनेस हो गई। अनबाउंडेडनेस का मतलब है यहाँ पर हम x1 और x2 की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, मतलब इसकी यहाँ कोई वैल्यू ही नहीं है कि यहाँ पे जाके ये रुक जाएगा। इसलिए जैसे हमने यहाँ लिखा कि ये जो वैल्यू है 16 से ज्यादा कुछ भी हो सकती है, ये 15 से ज्यादा कुछ भी हो सकती है। तो हम x1 और x2 की कौन सी ऐसी वैल्यू रखें जिससे कि हमको यहाँ मैक्सिमाइज मिले, क्योंकि वहां कोई अपर बाउंड तो है ही नहीं। जैसे इस ग्राफ में अगर आप देखें तो इसमें भी कोई अपर बाउंड नहीं, कहां तक जाएगा। या इस इक्वेशन में आप देखें तो आपको ये बता दिया है 2x1 plus 4x2 is greater than or equal to 16, लेकिन 16 से ऊपर कितना, ठीक है, x1 plus 5x2 is greater than equal to 15, लेकिन 15 से ज्यादा कितना, ठीक है ना। तो चाहे आप इसको ऐसे समझ लें या इसको ऐसे समझ लें, तो इसमें अपर बाउंड तो कोई डिसाइड ही नहीं हो रहा, तो इसी को हम बोलते हैं अनबाउंडेडनेस। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो में आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि अनबाउंडेडनेस क्या होता है। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपन एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।